हेलो स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से, मेरे पास में कुछ दिनों से लगातार 2-3 दिनों से आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों के जो बेसिक क्वेश्चन है वो है कि सर नीट का एग्ज़ाम कब होने वाला है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली आज मॉर्निंग में मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा ये मैसेज बढ़ गया, क्योंकि शायद न्यूज़ आर्टिकल में कुछ पोर्शन है, कुछ बच्चों ने मेरे साथ शेयर भी किया। तो जो न्यूज़ आर्टिकल है एक्चुअली में वो इतना ज़्यादा उसने हाइप क्यों किया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है उस न्यूज़ आर्टिकल में कि आपके नीट एग्ज़ाम जो हैं 2021 वो कंडक्ट होंगे जुलाई और अगस्त में, ठीक है। तो इसी वजह से एक हाइप क्रिएट हो गया और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट हो गया कि अब क्या होगा या फाइनल डेट क्या है। तो गाइज, आपको लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई इश्यूज नहीं रहेंगे। पहला बात, अब यहाँ पे देखो, मैं आपको कुछ लॉजिकली जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है उसी चीज़ को मैं फिर से दोहराऊंगा और कुछ पॉइंट्स आपको दूंगा, ठीक है। आप खुद जज कर लीजिएगा कि फाइनल क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसी के बोलने से आप बहकावे में मत आओ। पहला बात कि अभी तक टिल डेट एनटीए ने कोई भी फॉर्म का डेट जो है वो जारी नहीं किया है। तो अब आप मुझे बताओ कि जो लोग कह रहे हैं या न्यूज आर्टिकल्स कह रहे हैं कि एग्जाम्स जो है वो जुलाई या अगस्त में ले लिए जाएंगे, ये किस कदर पॉसिबल है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूज़ आर्टिकल्स में जो भी न्यूज़ आर्टिकल जिसमें भी छपा है वो कैसे ये बात बोल सकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी अकॉर्डिंग नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक बेसिक साइंस अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो नीट का एग्ज़ाम कब होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म अभी ये सबको हटा दो आप, ठीक है, ये एग्ज़ाम होगा ऑब्वियस सी बात है सीबीएसई के रिजल्ट के बाद। तो अब आप मुझे बताओ कि सीबीएसई का, आप लोग मुझे बताओ सीबीएसई का रिजल्ट कब आउट हो रहा है। सीबीएसई का जो रिजल्ट आउट हो रहा है वो हो रहा है 30-31 जुलाई को, यानी कि जुलाई एंड में हो रहा है। तो जुलाई तो यहां चैप्टर से ही हट गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर तो फिर अगस्त में तो हो सकता है ना, जुलाई में तो नहीं हो रहा है, चलिए हटा दिया, लेकिन अगस्त में तो एग्जाम हो सकता है, अगस्त में भी नहीं हो सकता है। इसका लॉजिक नंबर वन मैं आपको दे रहा हूं। पहला, रिजल्ट आपका निकल रहा है सीबीएसई वालों का या अदर स्टेट बोर्ड वालों का निकल रहा है कब, 31 जुलाई तक, ठीक है, पहला। अब यहां पे सेकेंड जो पार्ट बचता है इस सीबीएसई वालों के एग्जाम का वो है कि जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनका एग्जाम, या कह लीजिए ऑप्शनल जो एग्जाम है वो होने वाला है अगस्त में। तो अगस्त में तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना फिर नीट एग्जाम को कंडक्ट कराना। अब आप ये खुद लॉजिकली सोचो, किसी का मत सुनो, किसी का मत सुनो, सिर्फ अपना ब्रेन लगाओ, ठीक है। अगस्त में है ऑप्शनल एग्जाम सीबीएसई वालों का, क्लास 12th वालों का, तो इट मींस इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल। ये था लॉजिक नंबर वन, ठीक है, जिसका ए बी पार्ट था। अब मैं आपको सेकंड पार्ट देता हूं। आपको मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है कि जिस दिन से फॉर्म निकलता है उस दिन से मिनिमम इट विल टेक 60 डेज, 60 दिन का समय लगता है नीट एग्जाम के कंडक्शन में। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप में ही 1 महीने का समय लगता है, उसके बाद में जो एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड के बाद में जो समय दिया जाता है वो 2-2 सप्ताह का ऑलमोस्ट होता है, यानी कि 4 वीक्स, यानी कि फिर से 30 दिन, यानी कि 2 महीना, यानी कि 60 डेज। तो मतलब अगर आपको एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको दे दे रहा हूं, शायद उसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़े, जिस दिन से फॉर्म निकले उस दिन से आप 60 डेज यानी कि 2 महीना को काउंट कर लेना, वही डेट होगा आपका नीट 2021 एग्जाम का, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें कि अगर 1 जुलाई को भी फॉर्म निकलता है, यानी कि कल, तो अगर जुलाई के 1-2 तारीख को भी फॉर्म निकलता है या जब भी निकलता है, तो सितंबर 1st वीक 2nd वीक जाना तो कंफर्म है। और ये मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता दिया था कि सितंबर में ही एग्जाम होगा, किसी भी हालत में उससे पहले जो है वो एग्जाम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी आप लोगों का मेन जो फोकस है वो क्या होना चाहिए, अब आप लोग मुझे बताओ। आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए कि आपको कैसे क्रैक करना है इस प्रेस्टीजियस एंट्रेंस एग्जाम को और अपना जो ड्रीम है वो फुलफिल करना है। तो आप बजाय इसके कि फलाना डिमका कोई न्यूज चैनल्स या आर्टिकल्स को पढ़ के आप अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, आपका पूरा इंटेंशन अपना अभी जो है वो डाल दो आपके ड्रीम पे, ड्रीम गोल पे, और आप उसको अचीव करने के लिए सोचिए, ठीक है। अभी आप किसी भी हालत में, अभी आप ये बात को समझ लो कि एनटीए की तरफ से कोई जारी भी नहीं हुआ है, कोई ऑफिशियल मीटिंग भी नहीं हुआ है, ऑफिशियल मीटिंग हो भी जाए देन ऑल्सो इट विल टेक 60 डेज, ये एनी हाउ किसी भी हालत में, ठीक है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाओ,
अभी तो एग्जाम होने वाला नहीं है नीट 2021, एग्जाम होगा आपका सितंबर में ही, चाहे वो फर्स्ट वीक में हो चाहे उसके बाद हो, ठीक है। सो बने रहिए मेरे साथ में, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये जरूर बताना कि आपको किन चीजों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, या आपको क्या उसके नीट 2021 के रिगार्डिंग कोई मेजर टॉपिक्स चाहिए, या आपको कोई कंफ्यूजन है, जो भी चीजें हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यस, वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज जरूर शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। बने रहिए मेरे साथ में, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।